लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं अग्निदेव, नहीं, हम देवराज इंद्र के आदेश का पालन नहीं कर सकते। परंतु अपने आदेश की उपेक्षा देखकर देवराज इंद्र का क्रोध, हमें देवराज इंद्र के क्रोध से अधिक उस श्राप का भय है, जिसके पात्र हम एक ऋषि की तपस्या में बाधा पहुंचाकर बन जाएंगे। ओम गणपत्याय नमः। ओम गणपत्याय नमः। ऋषि के साथ एक असुर भी है। असुर के साथ होने से इस ऋषि के ब्राह्मणत्व में कोई अंतर नहीं आया ना? आप क्या सोचते हैं वरुण देव? मैं इस बात से सहमत हूं अग्निदेव, एक ऋषि की तपस्या खंडित करने का महापाप हमें नहीं करना चाहिए। परंतु हम देवराज इंद्र को क्या उत्तर देंगे? हम देवराज से ये भी तो कह सकते हैं अग्निदेव कि हम उनके पापाज्ञा मानने के लिए विवश नहीं है। ओम गणपतये नमः। 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 पुत्र त्रिपुरासुर, मन की शांति और धैर्य के साथ श्री गणेश के इस महामंत्र का जाप करो। तुम्हारी इस उग्र तपस्या का प्रभाव विध्वंसक और विनाशकारी हो सकता है। ओम गणपतये नमः। मैं जानता हूँ पुत्र कि तुम्हें गति देने वाली आत्मा एक आसुरी और राक्षसी है, परंतु तुम्हें एक ऋषि पुत्र होने का कर्तव्य निभाना है। इस उग्रता का त्याग करो पुत्र। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम ओम गणपतये नमः। 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 ओम ये मैं क्या देख रहा हूँ देवगणों? ये दुष्ट त्रिपुरासुर अब तक जीवित कैसे है? क्या आपने इसकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया? क्या मैं जान सकता हूं क्या आप सबने स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की आज्ञा को ठुकराने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा करें देवेंद्र, दुष्ट त्रिपुरासुर के साथ उसके पिता ऋषि गृह समत भी तपस्या कर रहे हैं। यदि हमने इनकी तपस्या को खंडित करने का प्रयास किया होता तो परिणाम अवश्य ही अनर्थकारी हो सकता था। देवेंद्र ने आप सबको इन दुष्टों की तपस्या खंडित करने की आज्ञा दी थी, परिणाम पर विचार करने की नहीं। उग्र होने से पहले आपने इनकी तपस्या खंडित ना करके अवश्य ही परिणाम अनर्थकारी कर दिया है। देवताओं, हम विवश थे देवराज, एक ऋषि की तपस्या खंडित करके हम भयानक पाप के भागी बन जाते। आप हमें पाप और पुण्य का उपदेश ना दे वरुण देव, हमारी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा हमारा क्रोध आपके भविष्य को पाप के महासागर में डुबो देगा। जो आज्ञा देवराज। वरुण देव, अपने भीषण जल का प्रहार करके इनकी तपस्या खंडित करें। अपना प्रहार रोके, अग्निदेव आप अपनी अग्नि से इन्हें भस्म कर दें। इस अनर्थकारी परिणाम का हमें पहले से ही अंदेशा था। देवराज, इस भयानक संकट और पाप से बचने के लिए हमें शीघ्र अदृश्य हो जाना चाहिए। अपना मूर्खता भरा परामर्श हमें ना दे। यदि हम इनकी तपस्या खंडित किए बिना यहाँ से अदृश्य हो गए तो इनकी तपस्या सफल हो जाएगी, जो बिना वरदान के आप सबकी दिव्य शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। वो वरदान पाकर कितने विध्वंसक हो जाएंगे, क्या आपने इस पर विचार किया है? अब विचार करके क्या लाभ देवराज,
हम किसी भी प्रकार से इन तपस्वियों की तपस्या खंडित नहीं कर सकते। आप सब नहीं कर सकते, किंतु वज्र को धारण करने वाला मैं स्वर्गाधिपति इंद्र कर सकता हूँ। आप सब भली बात ही जानते हैं कि ऋषि वर दधीची की हड्डियों से बना मेरा अमोघ अस्त्र वज्र शत्रु का अंत किए बिना नहीं लौटता। वज्र प्रकट हो। नहीं देवराज, नहीं, अपनी वज्र शक्ति का दुरुपयोग ना करें आप। किसी पे वज्र प्रहार करके आप महर्षि दधीची की तप शक्तियों का अपमान करेंगे देवेंद्र। आप वज्र प्रहार ना करें देवेंद्र। इस भूल के लिए शुभ शक्तियाँ कभी आपको क्षमा नहीं करेंगी देवराज। इन दुष्टों की तपस्या खंडित करने का केवल यही एकमात्र उपाय है। उपाय तो और भी है देवराज। और उपाय? हाँ देवराज, हम श्री गणेश की आराधना करने वाले इन दोनों की तपस्या को वरदान न देने के लिए शिव शंकर से प्रार्थना भी तो कर सकते हैं। और शिवाज्ञा का सम्मान करना उनके पुत्र श्री गणेश का परम कर्तव्य है देवराज। हमें किसी भी प्रकार श्री गणेश के लिए शिवाज्ञा प्राप्त करनी होगी देवेंद्र। समय आने पर मैं तुम्हारा पुनः आह्वान करूंगा वज्र। वज्र प्रहार करने से पहले मैं आप सबका परामर्श मानते हुए कैलाशपति भगवान शिव से प्रार्थना करने जाऊंगा। अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तू मुझे लेटा दे। अब मैं लेटे लेटे श्री गणेश के नाम का जाप करूंगा। पुत्र बल्लाल, तुम तो कह रहे थे कि गणेश महाराज प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमें आराधना करते कितना समय बीत गया। ना तो गणेश महाराज आए और ना ही तुम्हारे पिता की पीड़ा कम हुई। माई, गणपति ने मुझे स्वयं कहा था कि भक्त को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। वे बापू की परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य से इस परीक्षा में सफल होना है। तू सत्य कह रहा है बल्लाल, ये मेरे ही कुकर्मों का फल है। मैंने निर्दोष गांव वालों पर भयानक अत्याचार किए हैं। जिस कोड़े की मार की पीड़ा मैं सहन कर रहा हूँ, उसी कोड़े से मैंने न जाने कितने निर्दोष गांव वालों को उन्मत्त होकर पीटा है। मुझे क्षमा कर दो श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। पुकार रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। गजानन, पीड़ित कल्याण की पीड़ा का अंत करने का समय अब आ पहुंचा है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। परंतु माता पार्वती ने तुम्हें ये आदेश दिया था कि बिना उनकी आज्ञा के तुम कहीं भी नहीं जा सकते। यदि जाना ही है तो पहले माता की आज्ञा ले लो। क्या सोच रहे हो गौरी पुत्र? माता पार्वती इस समय पिताश्री शिव शंकर के साथ है। यदि मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो वे निश्चित ही न कर देंगी। इससे तो उचित यह होगा कि मैं नहीं, माता के रोष को जगाना उचित नहीं है। हमें बार बार वही भूल नहीं करनी चाहिए जिसे माता को कष्ट पहुँचे। बिना माता की आज्ञा लिए तुम्हारा जाना अनुचित है। भक्त की पुकार का उत्तर न देना भी तो अनुचित है। पिताश्री के सामने माता से आज्ञा लेना संभव नहीं है। समझ में नहीं आता
क्या किया जाए, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ गौरी पुत्र, कि भक्त को परीक्षा के भवर में गोते लगाने के लिए भगवान छोड़ नहीं सकते। भक्त के मन में संदेह का जन्म सबसे शीघ्र होता है। यदि भगवान के प्रति संदेह जाग गया तो भक्त कहाँ जाएगा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, परंतु कोई भी उपाय दिखाई नहीं पड़ता। क्यों ना हम परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना, नहीं गजानन, अपनी समस्या का समाधान करने में परम देव श्री महागणेश की कृपा से हम स्वयं ही सक्षम हैं। हर छोटी बड़ी बात में उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, उन पर तो सारे संसार का उत्तरदायित्व है। समाधि स्थल की ओर जाता हूँ। प्रतीत होता है कि देवराज इंद्र और देवगण महादेव शिव के सामने कोई प्रार्थना लेकर आए हैं। देवताओं की प्रार्थना के मध्य तुम्हें अपना निवेदन करने का अवसर भी मिल जाएगा, इसीलिए तो जा रहा हूँ। महादेव भगवान शिव और महादेवी माता पार्वती की जय। महादेव भगवान शिव और महादेवी माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, हमारे संकट दूर करे भोलेनाथ। जागे भोलेनाथ, जागे, जागे भोलेनाथ, जागे, जागे। अपने ध्यान को विराम दे भोलेनाथ। भगवान शिव की समाधि भंग करने की भूल ना करें देवराज, इसका परिणाम आपके हित में शुभ ना होगा। साम सदा शिव की जय। ओम नमः शिवाय, प्रणाम माता पार्वती। देवराज, जो निवेदन आप भगवान शिव से करना चाहते हैं, वह आप माता पार्वती से भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की समाधि भंग होने में अनिश्चित समय लग सकता है और समय के साथ ही आपका संकट बढ़ भी सकता है। हे विघ्नहर्ता सुखकर्ता मंगलमूर्ति श्री गणेश, सच तो ये है कि इस समय हम सब यहाँ आपके ही दर्शन पाने के लिए प्रकट हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है गणपति कि हमें आपके पावन दर्शन प्राप्त हुए। देखा माता, यदि मैं यहाँ पर ना आता तो इन सब का सौभाग्य इनसे दूर ही रहता। देवराज, महादेव भगवान शिव और महादेवी माता पार्वती के दर्शनों से कई कई जन्मों के सौभाग्य जाग जाते हैं, फिर भी आप अपना सौभाग्य जगाने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करें, ये आपका संकट अवश्य ही दूर कर देंगी। क्या बात है देवराज, आप अपने संकट की बात मुझे बताने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हे माता पार्वती, आप मंगल मूर्ति गौरी पुत्र श्री गणेश से कहें कि वो उस दुष्ट त्रिपुरासुर को वरदान ना दे। तपस्या का कर्तव्य निभाने वाले तपस्वी को दुष्ट कहने की भूल का ज्ञान आपको देवर्षि नारद पहले भी करवा चुके हैं ना? क्षमा करें मंगल मूर्ति, हमसे भूल हो गई। सच पूछा जाए देवराज, तो आपको त्रिपुरासुर के स्थान पर अपनी भूल के संकट का उपचार पूछना चाहिए। ये त्रिपुरासुर कौन है पुत्र गणेश? आश्चर्य, आप ऋषि ग्रहसम्मत के पुत्र त्रिपुरासुर को नहीं जानती? माता, यदि आपने अपनी देवी दृष्टि का प्रयोग किया होता तो आपको पता चलता कि त्रिपुरासुर और ऋषि ग्रहसम्मत कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। जितना पूछा जाए गौरी पुत्र उतना ही बताओ, एक ऋषि का पुत्र असुर कैसे हो सकता है? और यदि वो असुर होते हुए भी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा है तो कहीं तुम उसे वरदान देने की तो नहीं सोच रहे हो? बिना आपकी आज्ञा के मैं सोच विचार कैसे कर सकता हूँ माता? यही उचित है माता कि आप मंगल मूर्ति को असुरों को वरदान देने की आज्ञा ना दें, क्योंकि ये तो परंपरा बन गई माते कि हर असुर वरदान में स्वर का सिंहासन ही मांगता है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका ज्ञान मुझे भली भांति है देवेंद्र। मुझे अपने बुद्धिदाता पुत्र गणेश की बुद्धि और विवेक पर पूरा विश्वास है, वो किसी को भी अनुचित वरदान नहीं दे सकते। अब आप जा सकते हैं।
माता, मैं एक दुखी का दुख दूर करने के लिए जाने की आज्ञा चाहता हूँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो। सुन रही हो माता, मेरे प्रिय भक्त बल्लाल का पिता कल्याण अपने ही हाथों से आहत हो चुका है। अब उसे उसके भक्ति का प्रसाद देने से मुझे न रोके, मैं तुरंत ही कैलाश लौट आऊंगा। पहले वचन दो कि तुम ऋषि गृह समत के पुत्र असुर त्रिपुरासुर को वरदान नहीं दोगे। आपकी आज्ञा के विपरीत मैं कोई कार्य नहीं करूंगा माता, विश्वास करें। अपने वचन का ध्यान रखना, तुम केवल बल्लाल के पिता कल्याण का कल्याण करने जा रहे हो। अवश्य माता, प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम महागणेशाय। देवी पार्वती, तुमने स्वार्थी देवराज इंद्र की बातों में आकर गौरी पुत्र को त्रिपुरासुर की तपस्या का वरदान देने से क्यों रोका? असुरों को वरदान देकर इस संसार को कभी भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता, उन्हें तो वरदान न देना ही उचित है। देवी पार्वती, आप असुर जाति के प्रति अन्याय कर रही हैं। आपका अन्याय इस समय केवल असुर जाति के साथ ही नहीं, एक तपस्वी के साथ भी। अर्थात स्वामी? देवी, जो तपस्या और आराधना का कर्तव्य निभाता है उसे वरदान देना विधि का निश्चित विधान है। अपने गणेश की बुद्धि और विवेक पर विश्वास रखो, वो जो कुछ भी करेगा उसमें संसार का कल्याण ही होगा। इंद्रादि देवताओं के पुकार पर समाधि स्थल से गौरी पुत्र को तो अब तक लौटाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पार्वती की आज्ञा प्राप्त करके गौरी पुत्र मुझे बताए बिना ही। तुम्हें बिना बताए तो कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं है गजानन। क्या हुआ गौरी पुत्र, माता ने तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी? प्रतीत होता है गजानन कि तुम प्रतीक्षा करते करते इतना अधिक व्यग्र हो गए हो कि तुम्हें अपने मन की बात का भी ध्यान नहीं है। मन की बात का? हाँ, मन की ओर तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ये सब छोड़ो, तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम गौरी पुत्र? क्या हुआ काम, हम दोनों मिलकर नहीं कर सकते? गजानन, तुम कह रहे थे ना कि मेरे गजानन अवतार का काम अब पूरा हुआ। हाँ गौरी पुत्र, मुझे अब अपने गजानन अवतार की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। परम देव श्री महागणेश ने भी मुझे निराश कर दिया है। अब तो तुम ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो गौरी पुत्र। मेरा मार्गदर्शन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा अवश्य। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें दो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हैं। उस कार्य पूर्ति से पहले तुम्हारा विसर्जन असंभव है। परंतु कार्य क्या है गजानन? मैं अपने परम भक्त बल्लाल के पुकार पर उसके पिता का दुख दूर करने जा रहा हूँ, और तुम्हें त्रिपुरासुर को वरदान देकर उसे संतुष्ट करना है। उसकी तपस्या उग्र होती जा रही है। परंतु ये तो अनुचित है गौरी पुत्र, तुम्हारी आराधना करने वाले को मैं संतुष्ट कैसे कर सकता हूँ? स्थिति को समझने का प्रयास करो गजानन। माता पार्वती ने त्रिपुरासुर को वरदान देने से मुझे रोक दिया है। यदि त्रिपुरासुर को वरदान न मिला तो जब तप और तपस्या की परंपरा में वरदान का महत्व समाप्त हो जाएगा। भक्तों के मन में तपस्या के प्रति निराशा छा जाएगी। कहीं माता मुझ पर रोष तो नहीं करेंगी? तुम पर क्यों करेंगी, उन्होंने तो मुझे रोका है। परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए यह देव कार्य संपन्न करो गजानन। ओम महागणेशाय नमः। पुत्र गजानन, कहाँ हो तुम? पुत्र गजानन, पुत्र गजानन।